नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक हिंदी फिल्म आ रहा है जंगल मिस्ट्री ऑफ मर्डर, इसके सारे किरदार अभी यहाँ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्म की अभिनेत्री हैं और साथ ही विलेन के किरदार निभाने वाले विक्रांत जी भी हैं। तो ये अभी हम लोग इस मूवी पर सारी बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात है इस मूवी की कि ये पहली ऐसी मूवी है बिहार में जो कि पूरी हिंदी मूवी है और इसका सारा कुछ, सारे अभिनेता अभिनेत्री और सारे इसके किरदार से लेकर यहाँ लोकेशन से शूटिंग हुआ है, बाकी यानी सब कुछ सिर्फ बिहार से है, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिक हो, मतलब सब कुछ बिहार की। ये पहली हिंदी फिल्म है जिसका कि सारे पात्र बिहार से ही हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर धर्मशील कुमार से। जी, पहले तो धन्यवाद जो आपने बिहारी न्यूज़ पे हमें बुलाया। और ये एक फिल्म, हिंदी फिक्चर फिल्म है जो कि 21 जून को आ रही है, जिसके नाम है जंगल मिस्ट्री ऑफ मर्डर। और ये मुख्य अभिनेत्री हैं रुचि सिंह और विक्रांत चौहान, जो कि मेन विलेन का रोल किया इन्होंने। और बेसिकली हम लोगों ने शूट किया है चंपारण और प्लस राजगीर में, मैक्सिमम शूटिंग इसकी राजगीर में हुई है और ये एक मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। जी मैम, आप अभिनेत्री हैं, आपका ये पहली मूवी है? जी, ये मेरी पहली फीचर फिल्म है। इससे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म्स करे हैं फिल्म फेस्टिवल के लिए और तेलुगु शॉर्ट फिल्म्स करे हैं बस, और अभी ये फर्स्ट फिल्म है मेरी। और आप डायरेक्टर, और इससे पहले भी आपकी और? जी, इससे मैंने कुछ मूवीज़ में असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। जो मेरी पहले मूवी थी वो अन्ना हजारे के ऊपर थी, जो कि रिलीज़ नहीं हुई कभी, जिसको बनाया था मनीष गुप्ता ने, जिन्होंने सरकार मूवी लिखी है। उनकी दूसरी मूवी थी रहस्य मूवी, जिसमें मैंने काम किया था, वो मेरी पहले फीचर फिल्म थी। और कोइंसिडेंटली दूसरी तीसरी चौथी मिलती गई, जिसमें से एक फटा पुशल निकला हीरो किक और वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा। तो ये चार मूवीज़ थी जिसमें मेरी मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि मैंने बनाई है, दो चार शॉर्ट फिल्म, जिसमें से कुछ का सिलेक्शन भी हुआ था, जिसमें सुसाइड एक शॉर्ट फिल्म है जिसका कैलिफोर्निया में एक सिलेक्शन हुआ था। एंड देन उसके बाद मैंने ये प्लानिंग किया कि शॉर्ट फिल्म मैंने किया, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर किया फिल्म के ऊपर। तो ये मेरी इंडिपेंडेंट पहली फिल्म है जिस पर मैंने लाइनअप किया और इस पर काम वर्कआउट चालू किया। इसके साथ ही इस मूवी में विलेन का किरदार करने वाले विक्रांत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी न्यूज़ का हम लोगों को मौका देने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी फिल्म के बारे में बात करने के लिए। एज एन एक्टर ये मेरी तीसरी फिल्म है। इसके अलावा मैंने ढेरों शॉर्ट फिल्में करी है, सावधान इंडिया किया है, बिहार सरकार के लिए एड फिल्में करी है, और वही सावधान इंडिया देखा था इन्होंने, धनशील भाई ने, तो इन्होंने बोला कि मतलब इन्होंने उसके बाद अप्रोच किया मुझे कि एक कैरेक्टर है तो आप करेंगे, तो उसके बाद मुझे उन्होंने विलेन के लिए कंसीडर किया एज एन मतलब एंटागनिस्ट बोलते हैं फिल्म लैंग्वेज में, एंटागनिस्ट। तो ये मेरा पहला है वैसा निगेटिव करेक्टर जो कि फीचर फिल्म में, जो मैं मतलब निगेटिव करेक्टर कर रहा हूँ पहली बार। तो फिल्म देखिए, उसके बाद बात होगी। इसका शूटिंग ज़्यादातर राजगीर में हुआ है। राजगीर बिहार का एक प्राचीनतम, इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है राजगीर का। वहाँ लोग आज भी देश या विदेश के कोने कोने से आते हैं। कह सकते हैं कि राजगीर बिहार का बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है, जहाँ की गर्म कुंड से लेकर के बाकी सारे मंदिर, मनोहर स्थल और जंगल के साथ झूला वगैरह सब कुछ मौजूद है। इसके वजह से बाहर से भी लोग आते रहते हैं। तो राजगीर और इसके साथ ही पश्चिम चंपारण, जो कि महात्मा गांधी की भूमि है, वहां भी इस मूवी का शूटिंग हुआ है। ये दो जगह बिहार में अपना, इन दोनों जगह का अलग महत्व है। तो इन दोनों जगह पे जो शूटिंग हुआ है उसके सर अनुभव, जो कोई परेशानी वगैरह या कुछ? हमने पहले प्लानिंग करी थी कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग चंपारण में ही होगी, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। आपने सुना होगा दो साल पहले एक फ्लड आया था वहां पे, जो कि 100 साल के अंदर में कभी वैसा फ्लड आया नहीं कभी बाढ़ में। हम लोगों ने शूटिंग चालू किया था नरकटियागंज के एक होटल से और दो दिन वहाँ पर शूट किया था। तीसरे दिन वहाँ पर फ्लड आ गया, जिसकी वजह से नुकसान भी काफ़ी हुआ था हमारा, और लिटरली हम लोग उस फ्लड में फंसे हुए थे बहुत बुरी तरीके से। देन वहाँ पर निकलने के बाद हम लोगों ने होप छोड़ दिया था कि फिल्म बनेगी, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप एक बजट लेके जाते हो फिल्म मेकिंग के लिए, तो इनिशियल स्टेजेस में ही काफ़ी सारे पैसे खर्च हो चुके होते हैं, जो कि वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था। तो वहाँ से हम लोगों ने किसी तरीके से हम लोग निकले वहाँ से, देन सेकंड ऑप्शन ये था कि या तो फिल्म बनाओ या तो फिल्म छोड़ दो। तो
इनका और जितने भी तमाम एक्टर्स टेक्नीशियंस है सबका अच्छा खासा सपोर्ट रहा। मतलब ये लोग नहीं सपोर्ट करते अगर तो नहीं बन पाता, जाहिर सी बात है। तो फिल्म बेसिकली पहले इनकी है फिर हमारी है। तो उसके बाद हम लोगों ने किसी तरीके से एक सोचा कि चलो फिल्म की एक शुरुआत करते हैं फिर से वापस, और बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों ने राजगीर की तरफ रुख किया और बस मेकिंग चालू की उसी जज्बे से जैसे हम लोगों ने चंपारण में चालू किया था। और बस काम करते गए, दिल से काम करते गए, सपोर्ट होता गया और फाइनली 12 दिनों में फिल्म कंप्लीट हो गई। इसके साथ ही फिल्म की जो अभिनेत्री हैं रुचि सिंह, उनसे हम जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा इस मूवी के दौरान। जी, मेरा अनुभव काफ़ी रोमांचक रहा। मुझे गाइडेंस इतनी अच्छी मिली मेरे फ्रेंड जो कि डायरेक्टर थे, और लोकेशन ऐसा था जंगल, जैसे कि हम रोज़ डेली लाइफ में हम वैसे लोकेशंस पे जाते नहीं हैं, बहुत ही मतलब था हार्ट की जानवर भी गुजर रही है, लेकिन टीम वर्क यहाँ पे इतना स्ट्रांग था कि हमें किसी मतलब प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना पड़ा, तो आई वॉज़ हैप्पी विद माई टीम वर्क। और विक्रांत जी से जानेंगे, वो विलेन के रोल में हैं, इस वजह से जो जंगल में काफ़ी वगैरह शूटिंग वगैरह करने में कोई ऐसा कठिनाई वगैरह? देखिए, जंगल में शूट करना तो काफ़ी डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपको हर तरीके से खतरा रहता है, मच्छर हैं, जानवर हैं, और फिर आप पब्लिक पैलेस पे नहीं हो, आपके साथ फिल्म की एक्ट्रेस हैं, लड़कियां हैं, दूसरे लोग हैं, और आप अपनी जगह नहीं है, आप पटना में नहीं शूट कर रहे हो, आप जंगल में जा रहे हो, आप राजगीर में शूट कर, तो बहुत सारे मतलब तरीके का डर होता है। तो खैर किसी तरीके से हम लोगों ने ये काम कर लिया, निपटाया, दिक्कतें बहुत आई है। तो इसके अलावा मैं एक बात कहना चाह रहा था कि बिहार की पहचान मुख्यतः भोजपुरी फिल्म से है, जिसकी अधिकांशता शूटिंग ना गुजरात और यूपी में होती है, लेकिन अभी क्या है, उसके अलावा बिहार की अपनी 4-5 भाषाएं हैं, है ना। तो हमारी कोशिश है इस फिल्म के साथ कि बिहार न्यू वेव सिनेमा एक टर्मोलॉजी है कि जब आप नई धारा की फिल्म बनाते हो उसको न्यू वेव सिनेमा का नाम दिया जाता है। तो इस फिल्म के साथ हमारी कोशिश है कि बिहार में अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़े, अपनी फिल्में बढ़े, और ये नहीं कि लोगों की वो मतलब, चूँकि भोजपुरी की स्थिति आपसे किसी से छुपी नहीं है, आपसे मुझसे किसी से छुपी नहीं है, तो अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ अच्छी फिल्में बनाने का काम करने की कोशिश है हमारा, ये बिहार न्यू वेव सिनेमा का सेगमेंट कह सकते हैं। और सर, सरकार के तरफ से जो मतलब राज्य में मूवी बनती है इसके ऊपर सरकार के तरफ से कोई सहायता? सर, ऐसा है कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन अगर चूंकि एक फिल्म इंडस्ट्री एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप जब बनाने जाओ तो अपने ऊपर डिपेंड होके बनाने जाओ, एक्सपेक्टेशन रखोगे फुलफिल नहीं होगा फिर वापस आप अटक जाओगे। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने सोचा नहीं था, पहला मोटिव था कि हमारा पहले फिल्म मेकिंग था, ऐसा कुछ नहीं था कि इनसे सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, वैसा हम लोगों का कुछ था नहीं। पहला मोटिव था सिर्फ फिल्म बनाना है और सिर्फ बनाना है, देन ये फिल्म कंप्लीट हुई। अगर हम लोगों ने सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन किया तो भी इसी स्टेज पे वैसा इंसिडेंट चंपारण में होने के बाद, फ्लड आने के बाद, तो शायद हम लोग वो नहीं मना पाते। मीन्स सेकेंड ऑप्शन एक हो जाता है कि वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, उसके काफ़ी सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं गवर्नमेंट के, जो हमारे फुलफिल करने में काफ़ी सारा वक्त निकल जाता है, और वो वक्त हमारे पास नहीं था बिल्कुल। तो हम लोग उस सिचुएशन में थे ही नहीं कि कुछ एक्सपेक्टेशन करें कि सरकार से उम्मीद होगा ऐसा कुछ मिलेगा, वहाँ पे जाते तो शायद फिल्म नहीं बनती। तो हम लोगों ने अपने ऊपर डिपेंड होकर बनाई है फिल्म, तो फिल्म बनी है। तो ये हिंदी मूवी पूरी की पूरी बिहार में ही बनी, इस पर हम बात करेंगे कि आखिर पूरी की पूरी मूवी बिहार में ही बनाने का क्या कारण था? बिहार में अच्छे लोकेशंस हैं, आपके पास कलाकार भी अच्छे हैं, जो कि मुंबई में जाने के बाद थोड़ा सा उनको समय लगता है, लेकिन अभी पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा, ऐसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब इस फिल्म से हम ये भी ये संदेश है कि हाँ, संभावनाएं हैं, आप सिनेमा बना सकते हैं, आप सिनेमा रिलीज कर सकते हैं ना, लोकेशंस हैं, आपको बस मौका देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और रही बात, तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि माइग्रेट होकर लोग बाहर चले जाते हैं, हमारे यहाँ बिहार से क्या होता है, मजदूर निकलते हैं, यहाँ अभिनेता भी हैं वो कहाँ जाते हैं, तो मुंबई। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, अभी तो नहीं, अभी इनिशियल स्टेज पे हैं हम लोग, तो कोशिश होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, भले ही हमारी लिमिटेड बजट की फिल्म है, लेकिन हमारा खर्च तो है, हमने होटल हायर किया, हमने खाना खाया, हमने तो वो पैसे हमने कहाँ खर्च किए, बिहार में, तो उससे फायदा कहीं ना कहीं बिहार को ही मिला है। हाँ, तो इसी तरीके से अगर बाहर के लोग आते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बिहार भी फलेगा फूलेगा, इस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ेगी। बात हो रही है कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री खुलेगी राजगीर में, और ये बहुत लंबे समय से बात हो रही है, अभी तक कोई ये नहीं, तो आपको जमीनी स्तर पे खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे भारत के राज्यों में सरकार फिल्म के लिए अलग से प्रोत्साहन
के साथ सब्सिडी हल्का फुल्का मिलता है, लेकिन अभी तक बिहार में देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो मूवी बनाए ये पूरे के पूरे बिहार में, ये लोग बाहर भी शूटिंग कर सकते थे, और भोजपुरी अगर कोई मूवी बनाता है तो वो भी ज़्यादातर अलग अलग राज्यों में। तो इससे उन लोग को सीख लेना चाहिए कि अगर बिहार में आप बनाते हैं तो इससे बिहार को रोजगार मिलेगा, बिहार का छवि जो है वो विश्व पटल पर अच्छा उभर कर सामने आएगा। ये हिंदी मूवी है तो इसको भारत के बाहर भी लोग देखेंगे, हर एक जगह जाएगा। तो इस वजह से बिहार को प्रोत्साहन देने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है जो कि इन लोगों द्वारा किया गया है, और नाम है जंगल, मिस्ट्री ऑफ मर्डर। तो आप चूंकि इस फिल्म की मुख्य हीरोइन है रुचि सिंह जी, तो आपको जंगल में शूटिंग वगैरह करने में वैसा कोई? जी मैं तो लड़कियों को तो कहा ही जाता नाजुक कली, तो हमारे साथ हम जितनी भी गर्ल्स आर्टिस्ट थी वहाँ पे कभी कांटा चुभ जाना, कभी दौड़ने का सीन होता था लग जाना कांटे वाले पेड़ से ब्लीडिंग, तो मतलब टीम वर्क जो मैंने कहा जैसा कि टीम ने बहुत हेल्प करी, एंड बहुत ही अच्छी फिल्म थी तो कोई ना भी नहीं कह सकता था, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी एंड डायरेक्टर भी बहुत सपोर्टिव थे, एंड बिहार के आर्टिस्टों के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा था ये स्टेज, तो अच्छा लगा फिल्म करके बहुत। ऐसे आपका मूवी जो है नाम ही से पता चलता है मिस्ट्री ऑफ मर्डर, तो मर्डर पे आधारित है, कुछ इसमें वैसा सस्पेंस होगा, रिवेंज होगा, तो इस सब बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताइएगा क्योंकि आपका मूवी रिलीज के बाद ही आपको पता चलेगा। जैसा टाइटल है जंगल मिस्ट्री ऑफ मर्डर, जंगल मिस्ट्री ऑफ मर्डर मीन्स जंगल में मर्डर का एक मिस्ट्री छुपा हुआ है। जाहिर सी बात है जितने आर्टिस्ट होंगे उन्हीं के बीच में कोई ना कोई क्लू छुपा हुआ है, लेकिन वो मिस्ट्री हमने बरकरार रखने की कोशिश की है। जनरली फिल्म में होता है कि एक सस्पेंस होता है कि भाई इसने किसने मर्डर किया, सस्पेंस ओपन हो जाता है। हमारी फिल्म में बैक टू बैक चार पांच सस्पेंस है, मीन्स आपको उस सिचुएशन पर लाके खड़ा करेगी कि आप एक समय पर आप जज कर लोगे कि हाँ इसने मर्डर किया था, इसका डेथ हुआ, इसने ये किया था। लेकिन सडनली जब दो मिनट में अगला आपका अगला सीन आएगा आपकी सारी सोच खत्म हो जाएगी, फिर आपको लगेगा नहीं वो उसने नहीं किया था, उसने किया था। तो ऐसे सस्पेंस हम लोगों ने बैक टू बैक चार रखी हुई है, चार क्लाइमेक्स है इसमें, और नाम से चूंकि हाईलाइटेड मिस्ट्री ऑफ मर्डर है तो चूंकि मर्डर के ऊपर बेस्ड रही है। और हम आपको ये भी बताएंगे जैसे ये मूवी आप लोग जब शूटिंग कर रहे तो कितना समय लग गया पूरा मूवी के दौरान? कुल 15 दिन लगे थे शूट को, और जैसा कि आपने अभी पूछा क्या है फिल्म, इन्होंने बताया मिस्ट्री है, मिस्ट्री के साथ ही इसमें एक बहुत अच्छा सा थीम है, बहुत अच्छा लेसन है बच्चों के लिए, अगर देखते हैं यंग एज के यंगस्टर्स देखते हैं तो है कि कुछ पेरेंट्स से छुपा के उन्होंने गुस्ताखी की और उस गुस्ताखी की सज़ा, तो हमें पेरेंट्स से कोई भी चीज़ हमेशा बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा एक लेसन है इस फिल्म में जी। मिस्ट्री तो है, ऑडियंस रहेगी कनेक्टेड फिल्म में, बट एक बहुत अच्छा थीम लेकर आएगी, लेसन सीख कर आएगी। तो आपको विक्रांत जी विलेन के तौर पर इस मूवी में कैसा अनुभव रहा? और बहुत बढ़िया अनुभव रहा, इससे पहले भी आपकी कोई मूवी मतलब विलेन? हाँ, नहीं एज ए विलेन कोई मूवी नहीं है, इससे पहले मैंने सावधान इंडिया वगैरह किया है, अपराधी कौन वगैरह किया, उसमें निगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, तो वही है कि काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मतलब डिफरेंट कैरेक्टर था, लीग से हटके है, और आपको मतलब करने को मौका मिलता है अच्छे डायरेक्टर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं और मतलब उनके संगत में, तो जाहिर है आपकी चीज़ें ना आप क्या कर सकते हो आपको पता नहीं होता जब तक आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम ना करो। तो वही है। तो सर पूरा कितना समय लग गया इस मूवी को मतलब पूरा फुलफिल होने में? फुलफिल मीन्स स्क्रिप्ट टू स्क्रीन, हाँ, सब कुछ। देखा जाए तो फिल्म की शूटिंग अगर के बात शूटिंग की सिर्फ अगर बात की जाए तो ओवरऑल लेके 15 डेज लगा है, लेकिन अगर से कट टू कट बात की जाए तो 12 दिनों में ये फिल्म शूट कंप्लीट हो गई है। और पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा डिले हुआ था, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मीन्स अनवांटेड चीज़ें जो एंट्री कर जाती है फिल्म में, उसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम लगभग 1 साल 1.5 साल के आसपास लग चुका था जो कि 1 से 2 महीने का काम था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट टू स्क्रीन में 2 साल लग चुके हैं कुछ अनवांटेड चीज़ों को लेकर, और 2 साल बाद हमारे फिल्म स्क्रीन पर आने के लिए। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि बिहार को प्रोत्साहन करने वाला ये मूवी है, इसलिए बिहारी होने का सबको गर्व होना चाहिए क्योंकि बिहार को इतना प्रोत्साहन देने वाला कोई पहली बार हमारे ख्याल से पहली ही बार होगा कि कोई पूरा हिंदी फिल्म, इसके सारे किरदार चाहे जो भी हो म्यूजिक कंपोजर या जो भी मूवी से जुड़े हुए सारे लोग बिहार के हैं, सारी शूटिंग बिहार में ही हुई।
तो अभी हम जानेंगे कि बिहार में सिनेमा का आखिर क्या स्कोप है। हिंदी मूवी भी अब बन रही है, आने वाले दिनों में सिनेमा के बारे में क्या कहना है बिहार के? जी बिहार में जैसा कि आप लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि यहाँ मूवीज़ नहीं बनती थी, तो इस फिल्म के आने से ये हो जाएगा कि यहाँ के आर्टिस्टों को अब मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटी सी इंडस्ट्री, हाँ, और सबको रोल मिलेगा, क्योंकि लड़कियों को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है ड्रेसिंग को लेके, हर चीज़ को लेके बोला जाता है। जब वो इस लाइन में आएंगी एंड बड़े पर्दे पे दिखेंगी तो हर माँ बाप के लिए फ़ख्र का मौका होगा। और अच्छी, मतलब इस फिल्म से मैं कहना चाहती हूँ, फिल्म से ही सारे लोग आगे बढ़ के आएंगे एंड आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हर जगह का अपना सिनेमा है, चाहे पंजाब हो, चाहे आपका भी इवन रांची में आपका फिल्म सिटी खुल चुका है, उन लोगों ने मतलब झारखंडी फिल्में बन रही है, आपके बंगाल में फिल्में बनती है, आपके महाराष्ट्र में फिल्में बनती है। बिहार की फिल्में क्या है तो लोग बोलते हैं भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी फिल्में क्या है तो वो वही है, वो बात रिपीट होगी, लेकिन यही तो इससे हम लोग चाह रहे हैं कि एक इमेज भी सुधरे बिहार का, और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बिहार इतनी अच्छी जगह है, इतनी संपन्न जगह है, हमारा इतिहास इतना गौरवान्वित रहा है, यहाँ हमारी कहानी पे लोग दूसरे लोग सिनेमा बनाते हैं, हम ही लोग सिनेमा नहीं बना पाते। हाँ जी, मगध और पाटलिपुत्र, अशोक और बुद्ध की धरती है ये, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। तो सबसे जो बड़ी बात है कि बिहार की जो लड़कियां हैं वो मतलब एक धारणा बना हुआ है कि अगर मूवी में जाना है तो मुंबई जाना पड़ेगा, तो लड़कियां नहीं जा पाती बिहार की बाहर मुंबई में। इस वजह से अगर बिहार में ये सारा चीज़ उपलब्ध हो और मूवी बने, अगर सरकार इस चीज़ पर प्रोत्साहन दे, ध्यान दे, बिहार की सारी लड़कियों के लिए एक अलग रास्ता खुलेगा जो कि अपना मूवी बनाने के लिए। अब ये नहीं होगा क्योंकि गार्जियन नहीं जाने देते कि जाना पड़ेगा। सिंगर हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जिनको भी फिल्म बनानी है, फिल्म से जुड़ना है, उनके लिए भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, तो मतलब अवसर बहुत मिलेंगे लोगों को, ना कि सिर्फ ऑन स्क्रीन वालों को, बैक स्टेज वालों को भी, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो डायरेक्ट करना चाहते हैं, जो असिस्ट करना चाहते हैं, जो एडिट करना चाहते हैं, सबके लिए काम हो पाएगा। तो ये जंगल मिस्ट्री ऑफ मर्डर का ये सारे किरदार हमारे साथ थे। अब इस मूवी के बारे में विस्तृत हम लोग बात किए जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, तो आप इस मूवी को देखिए और साथ ही पूरे परिवार के साथ अपने नज़दीकी के सिनेमा घरों में जाइए, देखिए, और साथ ही बात करते हैं, आप दर्शक को बताइए। मैं दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप 21st को जाइए थिएटर्स में और मूवी को एंजॉय कीजिए, और जैसा आपका रिव्यू होता है ऑनेस्टली आप, मेरा नाम धनशील कुमार है, रुचि सिंह है, विग्रांत चौहान है, ऑनलाइन ना फेसबुक ट्विटर हर जगह आप सर्च कर सकते हैं, आप देखें मूवी को, ऑनेस्टली रिव्यू दें एंड यू आर मोस्ट वेलकम। जी मेरा भी सबसे यही अनुरोध होगा कि आप मूवी देखने ज़रूर जाएं, और एक अच्छी बिहार की पहली फिल्म है तो मेरे को मतलब बहुत एक्साइटमेंट भरा फिल्म है, तो सबको जाना चाहिए इस फिल्म को देखने, और ये अच्छी फिल्म है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके अलावा ये बात है कि ये हमारी फिल्म कम बिहार की फिल्म ज़्यादा, इसलिए आप ज़रूर देखें, थैंक यू। क्योंकि अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो इसके साथ ही और लोगों का जो फिल्म से जुड़े हुए हैं उन सबका मनोबल बढ़ेगा, वो लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहारी को लेकर के मूवी बनाएं, बिहार में ही शूटिंग करें, इस वजह से बिहार में एक नया रास्ता खुलेगा काम करने वाले लोगों को भी, चाहे वो हीरोइन हो या हीरो हो या बहुत सारे लोग जो कि जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन दूर जाने की वजह से भी नहीं जा पाते हैं, खास करके लड़कियों में ऐसा देखा जाता है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए और देखिए, लाइक कमेंट कीजिए जहाँ भी देख रहे हों। 21 जून को आप सभी लोग जाइए पूरे परिवार के साथ और इस मूवी का आनंद उठाइए। हम आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और यहाँ हम लोग बातचीत किए, और बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता खुल रहा है इस मूवी के द्वारा, जो कि और भी लोग मूवी सिनेमा जगत में हैं, उन लोग देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को और लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।